सेल्फ पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, गिब्स एनर्जी जी से डिनोट होता है किसी भी सिस्टम का, केमिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो गिब्स एनर्जी जो होता है, फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, दैट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। अब एक जो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके, यह सेल का सिंबल की तरह ले सकते हैं। गैल्वेनिक सेल बहुत तरह के होते हैं, आप अगर देखिए तो पैक होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोड पैरेलल हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, किसी तरह से भी हो सकते हैं। तो अगर आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच ईएमएफ होता है, जिसे हम ईएमएफ द सेल कहते हैं, और यह ईएमएफ आप जानते हैं कि टेम्परेचर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और आप एक बात जानते हैं, फिजिक्स में क्लास 12 में हम पढ़ते हैं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्या होता है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय वी आल्सो। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, दैट इज क्यू इनटू वी। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन में एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अगर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर्ड। तो अगर हम छोटी सी बात करें, हमारे पास एक रिएक्शन है, फिर से वही एग्जांपल, हमारा जिंक इन द सॉलिड स्टेट, कॉपर आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, इट विल गिव जिंक आयन्स प्लस कॉपर इन डिपॉजिटेड सॉलिड फॉर्म। तो यहां अगर आप इसे ध्यान से देखें तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके वन है, इसका मतलब वन मोल ऑफ दिस विल रिएक्ट विद वन मोल ऑफ कॉपर डबल प्लस आयन, विल गिव जिंक डबल प्लस आयन वन मोल एंड कॉपर इन सॉलिड फॉर्म वन मोल, वन मोल प्लस वन मोल विल गिव वन वन मोल डेफिनेटली, और इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, नियरली जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर, टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच रिएक्शन, दैट मीन्स वन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, फेराइड नंबर, वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, दैट इज इक्वल टू फेराइड्स कॉन्स्टेंट। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, n टाइम्स द f, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, वन फेराडे चार्ज इंटू n। अगर वन इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो केवल f चार्ज होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो nf अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, और उस चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है ईएमएफ पर, जो कि ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो यह एनर्जी जो है वह अवेलेबल हो गई, इसका नेगेटिव जो है वह डेल्टा जी होगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। जितना जी रिड्यूस होता है, सिस्टम का जी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने उतना वर्क डन कर दिया है, उतनी एनर्जी अवेलेबल करा दी है आपको, यूजफुल एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क जो है वह आपको मिल गई है। तो कितनी एनर्जी मिलेगी, आप देख सकते हैं यहां पर इतनी मिलेगी, और इसका नेगेटिव जो है वो डेल्टा जी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी एनर्जी मिली है और इसका नेगेटिव सिस्टम का लॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मिला है सिस्टम का लॉस हुआ है, एक्सटर्नल एजेंसी को यह सिस्टम से बाहर गई है यह एनर्जी, इसलिए सिस्टम की जो अवेलेबल एनर्जी है वो रिड्यूस हो गई है, इसलिए उसे माइनस लिखेंगे आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो आपको यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल लेना होगा। और दूसरी बात, दो बातें आप ध्यान रखिए कि यहां जो सेल ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वह इंटेंसिव पैरामीटर है। इंटेंसिव पैरामीटर कौन से होते हैं, जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंटेंसिव क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं इंटेंसिव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।